जब पूरे देश में 1857 की क्रांति की लहर अपने उफान पर थी। तमाम जगहों पर बगावत के सुर फिरंगी शासन के खिलाफ उठने लगे थे और तेलंगाना क्षेत्र में जिन्होंने अपनी माटी और स्वदेश का झंडा बुलंद कर रखा था वे थे राजा रामजी गोंड। रामजी गोंड ने जहां एक तरफ फिरंगी शासन की राजस्व नीतियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी तो वहीं दूसरी तरफ निजाम की नजरें भी वहां की जमीन और संसाधनों पर थी। ये वो वक्त था जब राजा रामजी गोंड दो मोर्चे का सामना अकेले कर रहे थे। नई पलटन और निजाम की संधि भी रामजी गोंड को हरा नहीं पा रही थी, बल्कि कर्नल रोबोट का सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया था। अपने मंसूबे को नेस्तनाबूद होते देख सबसे बड़ी साजिश रची गई। छल प्रपंच और षड्यंत्र का सहारा लेकर उनके 1000 सैनिकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर निर्मल में बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई। लेकिन जिस शौर्य और बहादुरी से निजाम और फिरंगियों का सामना राजा रामजी गोंड ने किया वो इतिहास में अद्वितीय है। मातृभूमि की खातिर रक्त से स्नान करने वाले राजा रामजी गोंड को हम करते हैं नमन।